लोगों में कालाजार के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से साहिबगंज सिविल सर्जन डॉक्टर रामदेव पासवान ने सिविल सर्जन कार्यालय से कालाजार जागरूकता मोबाइल मेला रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये अभी साहिबगंज में IRS का कार्यक्रम चल रहा है 1 अगस्त से, लोगों में जागरूकता लाने के लिए और उनको जानकारी हो जाए कि आपके गांव में कल छिड़काव है, छिड़काव से पहले अपने पूरी तैयारी कर ले, जो भी खाद्य पदार्थ है या कोई सामग्री है घर से बाहर निकल ले, ताकि हमारी टीम को आसानी से वो छिड़काव करने में मिले टाइम। साथ साथ उनको भी जागरूक कर रहे हैं हम लोग कि इस माध्यम से कि अगल बगल के जो भी है गांव हैं उनको भी डेट पता चल जाता है कि कब उनके यहाँ छिड़काव हो, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं 1 दिन पहले उस गांव में डालें और लोग उस हिसाब से तैयार करें। ये रथ का क्या शेड्यूल है सर, कहाँ कहाँ जाएंगे, किस किस गांव में जाएंगे? वो अभी तो मुझे 80 गांव है हमको मिला हुआ है लिस्ट, और करीब करीब हर ब्लॉक में जाएंगे और जहाँ जहाँ मेरा एंडेमिक एरिया है, हाई प्रायोरिटी एरिया है, उसमें जाके लोग प्रचार प्रसार करेंगे। तो सभी एरिया में ये टोटो के माध्यम से ही जाएंगे या ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसी दूसरे और चीज़ में, वाहन में? नहीं, ये टोटो ही रहेंगे और इसी कार्य के लिए ही रहेंगे, दूसरे वाहन में कन्वर्ट नहीं होंगे, इसी कार्य के रहेंगे। और साथ साथ आप लोगों से भी निवेदन है कि ये हर गांव तक, हर लोगों तक ये जागरूकता रैली का समाचार मिल सके, लोग जागरूक हो सके। करीब करीब आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपने भी स्तर से इस चीज़ को पब्लिक के सामने। सर सही पूछा है, तो ये हमारे यहाँ जो कालाजार छिड़काव का कार्यक्रम चल रहा है वो करीब करीब 1 महीने का है, तो हर गांव में अलग अलग दिन है, या किसी गांव में हम लोग लगातार जहाँ पर संख्या अधिक है, 60 घर से अधिक है, वहाँ पर हम 2-3 दिन 4 दिन कैंप करते हैं। तो हम लोग हैं यहाँ पर आए हैं हर काम को, असंभव को संभव करने के लिए। आप लोगों का सहयोग रहेगा तो हर गाँव तक हम पहुँच जाएंगे और आपके भी माध्यम से भी हम हर गाँव। आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज़ चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें।